सुबह 6 बजे हम निकले थे चंडीगढ़ से और तकरीबन 7 बजे हम पहुंच गए मनाली के अंदर, जहां पे हमें एंटर होते सार ही बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्नोफॉल देखने को मिली जो कि हम देखने के लिए आए थे। ये ब्लॉग आप सभी के लिए है, मनाली का एक्सपीरियंस और कहां कहां पे हम ट्रैवल किया, घूमे, वह सब कुछ आपको इस ब्लॉग में मिलेगा। तो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, आप सभी का सैफ। हम यहाँ से निकल चुके हैं माल रोड की तरफ। माल रोड यहाँ से तकरीबन 2 से 4 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे रुक के हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्नोफॉल को एंजॉय किया। 2 से 3 घंटे तक इतनी ब्यूटीफुल स्नो पड़ रही थी, आई थिंक 6 सालों में फर्स्ट टाइम इतनी ब्यूटीफुल सी स्नोफॉल देखने को मिली है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, काफ़ी गाड़ियों की यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही थी चलने में, बिकॉज स्नोफॉल काफ़ी हैवी थी। इसलिए आप कभी भी आएँ तो 4x4 हो, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से चलकर हमने कुछ ही डिस्टेंस पे थोड़ा बहुत चाय पी, थोड़ा बहुत स्नैक्स खाए और बाकी अभी आगे चलकर मैं आपको पूरा होटल का रिव्यू दूंगा कि कैसे कैसे हमने कहाँ कहाँ पे होटल लिया और क्या क्या खाया। चलिए शुरू करते हैं। गाइस कैसे हो आप सभी, होप सो बहुत अच्छे होंगे। तो हम पहुंच चुके हैं मनाली के अंदर, इस टाइम अपने होटल के अंदर है। बहुत ही अच्छा वेदर है यहाँ का, फुल ऑफ स्नो पड़ रही है इस टाइम पे। आज जो डेट है वो है हमारी फेब 3 या 4 आई थिंक है और रात के 12 बजने वाले हैं और अभी हम खाना खाने वाले हैं। खाना मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत ही डिलीशियस मशरूम चिली, उसके साथ हमने तवा रोटी होगी, तंदूरी रोटी सॉरी, वो मंगाई है। तो मनाली का इस टाइम पे किसी ने भी आना हो, वेदर बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्नोफॉल है। वो मैं कुछ क्लिप्स आपके साथ मैंने शुरू शुरू में शेयर किए हैं, बिकॉज मैंने जब मैं पहुँचा था यहाँ पे उस टाइम पे स्नो हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने कुछ गाड़ी के शॉट्स हैं वो भी मैंने इसके अंदर डाले हैं, तो वो मेरे आपने स्टार्टिंग में जैसे देख लिए होंगे। तो जो अब हम रिसेंटली कर रहे हैं वो हम खाना खा रहे हैं, डिनर का टाइम है। डिनर करने के बाद फिर हम अभी फिर मार्केट में जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि कितनी ज़्यादा स्नो हुई हुई है यहाँ पर और वो सारा आपको कैप्चर करके दिखाऊँगा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच, चलो आगे मिलते हैं। ये लो आप खाना देखो, ये दी हमारी रोटी, ये हमारा डिलीशियस, ये देखो जी बहुत अच्छा होटल है, कभी भी किसी ने आना हो आ सकता है, अच्छा होटल है। ये व्यू है हमारे होटल का सारा, तो बस खाना खा रहे हैं अब। खाना खाने के बाद अब मार्केट निकलेंगे, फिर आपको मार्केट दिखाते हैं। बहुत यम्मी खाना है यहाँ का स्नोफॉल गाइस, मनाली। पूरी खतरनाक वाली स्नोफॉल मनाली में, ओ वाओ। स्नो देखो, स्नो ये देख भैया, आ जाओ। तो भाई जैसे कि आपको पता है कि मनाली में इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हुई है, अभी थोड़ी सी रुकी हुई है, बट आप देख सकते हो माल रोड के ऊपर इतनी ज़्यादा बर्फ़ है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ है। आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे कि आप ये देखो, ये सारी बैठने की जगहें हैं, बर्फ़ ही बर्फ़ है, बहुत बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा स्नो है। इंजॉयमेंट फ़न करने के लिए ये जो वेदर है, ये जो टाइम है, सबसे बेस्ट टाइम है विज़िट करने का मनाली के अंदर। और आगे चलते हैं मनाली माल रोड, आपको पूरी की पूरी माल रोड दिखाते हैं, कितना ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आ रहा है, कितना ज़्यादा इन्जॉय हो रहा है। मार्केट में पहले स्नो इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हम रुक भी नहीं पा रहे थे मार्केट में, जैसे आपने पहले क्लिप्स में देखा है, स्नो इतनी ज़्यादा होने की वजह से हम मार्केट में ज़्यादातर रुक नहीं पा रहे थे। तो
तो अभी हमने खाना पीना अपना डिनर वगैरह कर लिया, थोड़ी सी वॉक करने आए हैं, देखने आए हैं कि स्नो अभी दोबारा होगी, स्नोफॉल उम्मीद है कि हाँ अभी फिर दोबारा से स्नोफॉल होगी। कल डेढ़ डेढ़ दो दो फुट हो जाएगी, आज इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है, इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है कि गाड़ी ऊपर लेके आना भी बहुत मुश्किल हो चुका था, पर बहुत मज़ा आ रहा है इतनी अच्छी स्नोफॉल में। अंदर 2022 की फरवरी की फर्स्ट वीक की क्लिप है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और बहुत ही अमेजिंग है। आओ आपको आगे माल रोड दिखाते हैं। ये देख सकते हो माल रोड, जहाँ पे भी ताज़ा ताज़ा स्नोफॉल हो गया ठीक है। कुछ ही वक्त पहले, कुछ ही टाइम पहले बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल थी, आज सबसे ज़्यादा आज के दिन ही स्नोफॉल हुई है मनाली के अंदर इस वीकेंड के अंदर, इस मंथ के अंदर, इस ईयर के अंदर ये फर्स्ट स्नोफॉल है जो सबसे हैवी है। आप देख सकते हो इस टाइम यहाँ पे ये सारी बर्फ ताज़ी है, ताज़ी बर्फ है। अभी दोबारा फिर उम्मीद है, पहले स्नोफॉल ज़्यादा हो रही थी तो चल भी नहीं पा रहे थे, अभी स्नोफॉल रुकी हुई है बट स्नो इतनी ज़्यादा है माल रोड के ऊपर। आप देख सकते हो शॉप सारी बंद हो चुकी है, टाइम हो चुका है 11 बज चुके हैं, तो हम धीरे धीरे माल रोड के ऊपर वॉक करने आए हैं, डिनर कर लिया है, लोग फोटोशूट्स कर रहे हैं। ये माल रोड के ऊपर SBI ATM है और साथवी बस स्टैंड, ये सातवीं बस स्टैंड है जहाँ पे आप दिल्ली चंडीगढ़ की बसेस ले सकते हैं किसी भी टाइम। बस स्टैंड भी आप देखोगे पूरा स्नो के साथ भरा हुआ है, ये सारी ताज़ी है, अभी अभी आधे घंटे पहले की स्नो है, आधा घंटा एक घंटा पहले की। ये है माल बस स्टैंड मनाली का, ये कैफे, पूरी माल रोड और ये है हमारा ब्यूटीफुल सा होटल, इसका नाम है कुंजन, शायद ही आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, फुल स्नो से भरी हुई है, पूरी की पूरी स्नो है यहाँ पे, इस टाइम पे बहुत स्नो हुई है, आप देख सकते हो जैसे कि ये सारी ताज़ी स्नो है, देखो ताज़ी। ये हम अपने होटल से बाहर आते हैं तो ये सारा माल रोड है, सारा माल रोड है, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। होटल कुंजन देख सकते हो, पूरी छतों के ऊपर वाइट बर्फ़ से ढकी हुई है पूरी की पूरी, SBI Bank ATM है जो उसके ऊपर। ये रोड देख सकते हो पूरी स्नो के साथ कवर अप हो चुकी है। मनाली इस टाइम पे बहुत ही अच्छा टाइम है आपका आने का, स्नो एंजॉय करने का फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आप आ सकते हो इस वेदर में, इन दिनों में सबसे अच्छी स्नोफॉल है, वेदर चेक करके आना। तो गाइस कैसे हैं आप सभी, होप सो बहुत अच्छे हो गए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मनाली, मनाली आपको दिखाया कि कल कैसा वेदर था, तो दिन के में भी इस टाइम पे पूरी स्नोफॉल हो रही है, बहुत ही अच्छा एंजॉय हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं आज के टाइम पे, और ये फरवरी का फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक के अंदर इतनी ज़्यादा स्नोफॉल थी हमें उम्मीद नहीं थी। आओ आपको दिखाते हैं आगे आगे चलते हुए, ये सारा देखो आप मार्केट में सारी स्नो है, जैसे कि स्नो का एंजॉय करते हैं, ये सारी स्नो है गाइस, बहुत ही अच्छा वाला वेदर है इस टाइम पे। तो आ जाओ आगे आगे आपको दिखाते हैं।
आप जब भी मनाली आएँ तो एक अम्ब्रेला ज़रूर लेना, बिकॉज आपके जो कपड़े हैं वो गीले ना हो, और शूज़ हैं वो ज़रूर आप लेना, ऐसे स्नो वाले जो हमने अभी यहाँ से लिए हैं। तो आओ आगे आगे चलते हैं, इधर मार्केट देखो। तो आप जैसे कि मार्केट देख रहे हो, बहुत ही अमेजिंग स्नो के साथ धुंध हो ही पड़ी है, और गाड़ियां देखो पूरी की पूरी स्नो से भरी पड़ी हैं। तो आगे आगे चलते हुए आपको माल रोड पे लेके चलते हैं। सामने मेरे माल रोड है, बिल्कुल सामने माल रोड है, आ जाओ। ये सामने सारी माल रोड की मार्केट है, जो इस टाइम पे टूरिस्ट के साथ भरी पड़ी है, काफ़ी लोग आए हुए हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और ये पूरे पेड़ जो यहाँ का वन विभाग है ये बंद किया हुआ है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नो की वजह से इसको ओपन नहीं किया हुआ। बाकी आगे आगे दिखाते हैं, अब ऊपर जाएंगे टेंपल के ऊपर, टेंपल दिखाएंगे आपको कितना अच्छा हुआ, वहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं और कितनी ज़्यादा स्नो है। फिर से स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी लोग टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, हैं यहाँ पे इस टाइम पे, सभी स्नोफॉल का एंजॉय कर रहे हैं। ये है ज़ीरो पॉइंट माल रोड का, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हो बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, स्नोफॉल देखने के लिए आई हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है सभी को, सभी स्नोफॉल एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ये सामने आप देख सकते हैं सारे स्टोर्स हैं, शॉप्स हैं, मार्केट है पूरी, आगे तक सीधा जाते जाते मार्केट है ये सारी। और यहाँ पे इस टाइम पे लोग अम्ब्रेला लेके घूम रहे हैं, बिकॉज स्नो से जो है कपड़े गीले होने का काफ़ी ज़्यादा है। और ये 4x4 आपने जैसे देखी, यही गाड़ियाँ यहाँ पे सक्सेसफुली चलती हैं, अच्छी स्मूथ। ये भी फंस जाती हैं कई जगहों पर अभी के लिए ये पहाड़ियों पे चलाने के लिए काफ़ी सेफ है। और आप स्नो देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो चुकी है, तकरीबन एक आधे घंटे से चल रही है। और अब हम आगे निकलते हैं। तो वैसे जैसे कि आपको पता है कि स्नो आप देख सकते हो आप, ये देखो स्नो, वो पाँव देखो स्नो में, इट्स अमेजिंग, बहुत ठंडी है। आओ आगे लेके चलता हूँ, स्नो देखो आप, पैर दिखाओ कितने ज़्यादा स्नो के अंदर है, पाँव पूरे के पूरे स्नो से है, बहुत ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा लग रही है। आगे आ जाओ, जैसे कि आप देख रहे हो इतनी ज़्यादा स्नो है कि पाँव भी स्नो के अंदर जा नहीं रहा। और आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे खेल सकते हो स्नो में, और ऐसे यस, कम ऑन, 1 2 3 यस। तो गाइस अभी हम आया मनाली में, बीएड अपनी सेट करवाने, हमारे साथ हैं सलीम खान जी, जिन्होंने काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ में भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा जितनी भी मनाली की शूटिंग्स होती हैं वो सारी शूटिंग्स में इन्हीं के हेयर स्टाइल्स वगैरह एक्टर्स के यही करते हैं। हमारी भी बीएड बहुत अच्छी कर रहे हैं, अभी तो बस थोड़ी सी रह गई है, बट आप देख सकते हो लुक, एक डिफरेंट सा लुक दिया इन्होंने। सलीम जी आप शॉप का बताएं, कहाँ पे अपनी विजिट करें। जी हमारी शॉप है अडिम्बा रोड, सर्किट हाउस, मेन रोड है अडिम्बा रोड का। जी आप कभी भी मनाली आए तो इनके पास जरूर आना, बहुत अच्छी आप हेयर स्टाइल करवा सकते हो, बीएड करवा सकते हो, मेल फीमेल दोनों के बहुत अच्छे स्टाइलिश हैं ये। जी
तो गाइस फाइनली हम हडिम्बा टेंपल की हाईवे के ऊपर है। अब हम ऊपर जा रहे हैं, हडिम्बा टेंपल दिखाएंगे आपको। जब तक आप देखिए कैसे लोग इंजॉय कर रहे हैं स्नो का। दिखाइए इधर, आइए आगे आगे चलते हैं, हडिम्बा टेंपल दिखाते हैं आपको। तो फाइनली हम पहुंच गए हडिम्बा टेंपल। टेंपल देखो आप, पीछे व्यू देखो, वाओ। ये जो दृश्य है बहुत ही ब्यूटीफुल सा देखने वाला। काफ़ी लंबे लंबे बड़े बड़े ट्रीज़ हैं यहाँ पे। हम सिर्फ मंदिर तक पहुँचने में हमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। काफ़ी ऊंची चढ़ाई थी यहाँ पे। यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी थका हुआ था। फाइनली हम किसी भी हाल में कैसे भी पहुँच गए। इतनी स्नोफॉल होने के बावजूद भी हमने अपनी हार नहीं मानी और हम ऊपर तक आ ही गए। और यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल देखने को मिली। आप देख सकते हैं जैसे कि डॉग्स, काफ़ी डॉग्स यहाँ पे हैं। कुछ अलग से देख सकते हैं इनको, ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही। स्नो के अंदर ये कैसे खेल रहे हैं, इन्हें स्नो के अंदर खेलना बहुत ही पसंद है। कुछ कुछ के तो मैंने नाम्स भी रख दिए थे, जैसे कि ये ब्राउन है, इसका नाम स्कूबी, वो जो पीछे है उसका नाम, सबके अलग अलग नाम रख दिए थे मैंने। पर इन डॉग्स को देख के काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज मुझे एनिमल्स काफ़ी पसंद हैं, एनिमल्स लवर हूँ मैं। तो मुझे रखना पसंद नहीं, बस देखना पसंद है मुझे। डॉग्स वगैरह हो गए, कोई भी एनिमल हो, ये नहीं कि सिर्फ डॉग्स ही, हर एनिमल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ से आप देख सकते हो हल्की हल्की स्नो हो रही है, और ये पूरा हेम्पटा फॉल स्नो से ढक गया है। यहाँ से हमें कम से कम 2-3 घंटे टाइम स्पेंड किया। शाम होते ही हम यहाँ से निकल चुके थे, बट अभी भी हम यहाँ पे थे कुछ टाइम के लिए। और यहाँ पे जो हमने एक्सपीरियंस किया, काफ़ी लोग आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है, बिकॉज़ अभी सीज़न का टाइम है मनाली के लोगों के लिए। तो इसलिए हमने स्नो में एंजॉय करने के लिए मनाली में आए। और मैं मनाली पहले भी आ चुका हूँ कई बार, बट फर्स्ट टाइम मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ ऊपर, बिकॉज हर बार हर टाइम मेरे माइंड से स्किप हो जाता था। इस बार माइंड से स्किप नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि मेरे को देख के आना है ऊपर, बिकॉज़ हम जितनी हाइट पे जा रहे थे उतनी ज़्यादा हमें स्नो देखने को मिल रही थी। स्नो तो नीचे भी काफ़ी ज़्यादा थी और ऊपर भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ तक आने के लिए हमें पैदल यात्रा जिसे बोलते हैं, पैदल चलकर हम इतनी ऊपर तक आए। और मंदिर को भी बंद किया हुआ है, आई डोंट नो क्यों। पहले खिंचवाई थी ना स्नो की वजह से ना, साफ नहीं आ रही। अब बढ़िया लाइटिंग, स्नो गिर रही है ना, फिर फेस के ऊपर आ रही है सारी, ऐसे हो रहा है। अब कम है इसमें, बढ़िया खींच के देंगे। बहुत खिंचवा ली हमने, 100 फोटो खिंचवा ली पहले। तो ये था हमारा ब्लॉग मनाली का। मनाली का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा। कल हम गए थे आगे आगे, काफ़ी जगहों पे गए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, जैसे कि आपने देखा वीडियो के अंदर। स्नो में आप ज़्यादा हाइट पे भी नहीं जा सकते। हाँ ये है कि अगर आप ट्रैक कर सकते हो पैदल तो अब ठीक है, बट यहाँ पे 2-व्हीलर व्हीकल इस टाइम अलाउड नहीं है। सिर्फ 4-व्हीलर व्हीकल स्नो के अंदर चल सकते हैं, सिर्फ 4-व्हीलर व्हीकल ही आप लेके आ सकते हैं। आप सोलन वैली भी जा सकते हैं, बट आज नहीं जा सकते, आज बारिश दिखा रहा है वेदर। कल धूप थी तो हम कल धूप में गए थे, वहाँ पर धूप में अच्छा था वेदर वहाँ पे, और स्नो देखने को मिली। स्नो भी इस टाइम आपको मनाली में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इस टाइम मैं बिल्कुल सेंटर 0 पॉइंट मनाली के होटल पे हूँ, और यहाँ से हर चीज़ इजी है, नज़दीक है। फर्स्ट टाइम स्नो देखनी थी, फर्स्ट टाइम स्नो देख ली है।
तो नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, बट ये है कि अभी जो स्नो देखी है काफ़ी अच्छी लगी स्नो। पहले तो वीडियोज़ में देखते थे जैसे आज मैं आप लोग बना रहा हूँ, कल दिन मैं किसी और के ब्लॉग्स देखता था वहाँ पर स्नो देखता था और अब बड़ी अच्छी लगती थी वीडियोज़ में देखने के लिए। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें वो घूमते थे, काफ़ी अच्छी अच्छी ऊँची जगहों पर वो जाते थे। तो आज मैं भी आया हूँ तो मुझे भी अच्छा लगा ऐसी जगह पर आके जहाँ पर स्नो बहुत अच्छी हो। आपने पूरा ब्लॉग वैसे देख ही लिया होगा कहाँ कहाँ पे हम घूमे, कैसी कैसी स्नो थी, स्नो वाइट आ जाते। मैं सभी को ये बोलूँगा होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी आप सभी को करना क्या है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करना है, वीडियो पे लाइक करना, प्यारा सा कमेंट कर देना है। उससे ये है कि और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते रहेंगे। अगर आप इस ब्लॉग को अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे तो मैं इससे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जाकर शूट करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, सैफ अली ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो वहाँ पे मैंने सभी रील्स वगैरह वहाँ पे अपडेट करता हूँ। अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ मैंने जो कि DSLR से क्लिक की हैं यहाँ पे, वो भी बहुत अच्छी अच्छी आई हैं, वो भी आप उस पर जाके देख सकते हो। तो ये था हमारा ब्लॉग मनाली का,